5 ATR बाइक है तो आप उसमें फिट कर सकते हैं नोक्सी 1000 फ्लैशर। जितना बार आप पुश पुल स्विच को ऑन ऑफ कीजिएगा उतना मॉडल का इंडिकेटर आपको चेंज होते रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे पास TVS कंपनी का अपाचे RTR 160 BS 6.5 वाली वेरिएंट बाइक है। अभी इस बाइक में हम देखिए चारों इंडिकेटर जलने के लिए 1000 फ्लैशर इंस्टॉल करेंगे, 1000 फ्लैशर इसमें सेटिंग करेंगे। इसके लिए देखिए आज हमने बाइक का वाइजर को इस तरह से ओपन करके आगे की तरफ थोड़ा बेंड कर दिए है। उसके बाद यहाँ पे देखो मीटर असेंबल हमने खोल करके सेट कर लिया। अगर आप चाहें तो यहाँ से खोल करके इसको फाइनली यहाँ से सॉकेट निकालिएगा। एक यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे सॉकेट दिया है। सॉकेट को अगर आप दबा करके बाहर निकाल के बात करें चारों इंडिकेटर जलाने के लिए 1000 फ्लैशर सेटिंग करेंगे। ओक्सी का ये मोक्सी, तो यहाँ पे मोक्सी कंपनी का 1000 फ्लैशर भी उसको बोल सकते हैं, मोक्सी फ्लैशर बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मॉडिफाई एक्सपोर्ट, और ये 16 मॉडल में जलेगा इंडिकेटर और देखने में काफ़ी यूनिक लगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। इसका वायरिंग हार्नेस किस तरह से कंप्लीट किया जाता है अपाचे RTR बाइक में, और इस बाइक में कौन सा यहाँ पे तो किल स्विच एक फिट करना पड़ेगा इसके लिए अलग से, तो कौन सा किल स्विच बेस्ट रहेगा। वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं से भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। अगर हमने वायरिंग का काम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, किस तरह से हमने वायरिंग किया वो भी आपको बताएंगे। इससे पहले अगर बात कर ले तो यहाँ पे देखिए एक किल स्विच है, बहुत बैक में यहाँ पे देखिए जगह काफ़ी रहता है हैंडल में यहाँ पे, जो हम लोग वहाँ पे किल स्विच को प्रॉपर सेटिंग कर लेते हैं इस तरह से। लेकिन अपाचे बैक में यहाँ पे देखिए थोड़ा भी जगह नहीं जिसको हम किल स्विच यहाँ प्रॉपर सेटिंग कर लें। राइट से लेफ्ट साइड में देखिए या फिर राइट साइड में कहीं पर भी जगह नहीं है किल स्विच फिट करने के लिए। अगर आजू बाजू में यहाँ पे फिट कर देंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा हमारा कस्टमर को, क्लाइंट को। इसके लिए हम यहाँ पे किल स्विच फिट नहीं करके इसके जगह हम फिट करेंगे ये पुश पुल स्विच। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पुश पुल स्विच है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आपको मिल जाएगा। इसका प्राइस का बात कर ले 45 से 50 रुपये समथिंग इस पुश पुल स्विच का प्राइस है, और आप मिंडा कंपनी का लीजिएगा, लोकल स्विच बिल्कुल यूज नहीं किया जाए। उसके बाद दोस्तों आपको वायर लेकर के इस तरह से आपको वायर को इसके अंदर प्रॉपर टाइट कर देना है। उसके बाद आपको ले लेना है पुराना वाला एक हॉर्न का पत्ती। हॉर्न पत्ती को आपको करना क्या है, कुछ इस तरह से आपको काट लेना है। काटने के बाद एक हॉल में आपको पुश पुल स्विच को फिट कर देना है। तो एक हॉल में आपको यहाँ पे पत्ती को यहाँ पे टाइट कर देना है। चलिए हम फटाफट से इसको टाइट कर लेते हैं। मोक्सी 1000 फ्लैशर था, इसको वायरिंग का काम मेरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। इसका वायरिंग हार्डनेस हमने किस तरह से कंप्लीट किया है टोटल स्टेप आपको बतला रहे। सबसे पहले बात कर ले तो इसमें देखिए यहाँ पे 4 वायर मिल रहा है, 2 येलो कलर का है, 1 रेड कलर का है और 1 ब्लैक कलर का है। तो जो हमारा ब्लैक कलर का जो है ये ग्राउंड हो जाता है, बॉडी अर्थ है, और ये दोनों जो येलो कलर का है वो इंडिकेटर के लिए सप्लाई है, और ये जो रेड कलर का वायर है ये हमारा मेन वायर है। दोस्तों जो पीला कलर का ये जो वायर है, दोनों पीला कलर का वायर को हमने एक लेफ्ट साइड का इंडिकेटर में दिया है, एक राइट साइड का इंडिकेटर में दिया है। उसके बाद अगर बात कर ले तो ब्लैक वायर को हमने यहाँ पे ग्राउंड दे दिया है, इंडिकेटर के ही वायर में हमने देखिए बॉडी अर्थ दे दिया है, और वायर हमने देखे यहाँ पे किस तरह से ज्वाइंट किया है। इसी तरह से आप वायर को ज्वाइंट कीजिएगा, वायर को कहीं से कट खुट नहीं कीजिएगा। उसके बाद अगर बात कर ले यहाँ पे जो हमारा रेड कलर का वायर है उसमें हमने जो हमने यहाँ पे किल स्विच जो फिट किए हैं पुश पुल स्विच है, देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने पुश पुल स्विच को सेटिंग किया है। बगल में काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी, जो पुश पुल स्विच से जो एक वायर इनपुट आता है एक वायर आउटपुट है, जो आउटपुट वायर है उस वायर को हमने यहाँ पर रेड वाले वायर में यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया। जो इनपुट करेंट जो पुश पुल स्विच में जा रहा है उसमें हमने करेंट दिया है। बाइक का जो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा पार्किंग लाइट जो है जो एरो की तरह बना है अपाचे RTR बाइक में, इसमें डायरेक्ट 12 वोल्ट करेंट आता है, उस वायर में हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया है। जो हमारा इनपुट करेंट यहाँ से जा रहा है और स्विच को ऑन करने के बाद जो आउटपुट करेंट आ रहा है उसका जो कनेक्शन दिया हमने यहाँ पे मोक्सी 1000 फ्लैशर के अंदर दिया है। अभी यहाँ पे हमने प्रॉपर इसको अच्छा से टेपिंग नहीं किए हैं। अब चलिए बाइक का हम यहाँ पे इग्निशन को कर लेते हैं ऑन और आपको इंडिकेटर जला करके दिखला रहे हैं। देखिए आप इग्निशन को हमने ऑन कर लिए, किल स्विच ऑन कीजिए तो पुश पुल स्विच को देखिए इस तरह से हमने बाहर की तरफ इसको खींचना है। देखिए जैसे बाहर की तरफ हमने खींचे इंडिकेटर कुछ इस तरह से वर्क करने लगा। फिर से इसको ऑन ऑफ कीजिए, देखिए फिर से ऑन ऑफ कीजिए। जितना बार आप पुश पुल स्विच को ऑन ऑफ कीजिएगा उतना मॉडल का इंडिकेटर आपको चेंज होते रहेगा। जिस तरह से आपको फ्रंट में इंडिकेटर वर्क करेगा इसी तरह से जस्ट इसका लेफ्ट में भी वर्क करेगा। देखिए यहाँ पे देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी यूनिक भी लग रहा है देखने में। अगर आपके पास भी अपाचे RTR बाइक है तो आप उसमें फिट कर सकते हैं नोक्सी 1000 फ्लैशर। एक चीज़ और बतला, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बैटरी पे कोई प्रभाव पड़ेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं, नहीं इंडिकेटर का बल्ब फ्यूज होगा, नहीं आपको बैटरी पे कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं वायरिंग हार्डनेस पे कोई प्रॉब्लम होगा। आप नॉर्मली अपने घर पर भी खुद से इसको प्रॉपर सेटिंग कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से।
तो फ्रेंड देखिए आप इसका मीटर का भी कनेक्शन हमने डिफ्यूज कर दिए। अगर मीटर का कनेक्शन आपको पहले ही बताया जाएगा डिफ्यूज कर रहे हैं, इसका मीटर पर जो डिस्प्ले पर टाइम दिखलाता है टाइम गलत हो जाएगा। तो आप लोग अपने घर पर इसको ओपन कर रहे हैं हजार फ्लैशर सेटिंग के लिए, टाइम जब गलत हो जाता है, टाइम को अगर आपको सेटिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वीडियो देखकर अपने घर पर खुद से टाइम को सेटिंग कर सकते हैं। मन में डॉट मॉक्सी हजार फ्लैशर को इसका सेटिंग कहाँ पे करना है, जिस पन्नी में आया था उसी पन्नी में इसको हम थोड़ा इस तरह से लपेट लेते हैं, इसको रख देते हैं। यहाँ पे देखा अपाचे आरटीआर बाइक में बहुत ही अच्छा सेटिंग दे, यहाँ पे एक गैप है नजदीक से दिख रहा है, आप देखिए गैप है, इस गैप के अंदर हम इसको प्रॉपर इस तरह से डाल देते हैं, खटखट फटफट का साउंड भी नहीं आएगा और प्रॉपर ये सेटिंग भी हो जाएगा। प्रॉपर इसके अंदर चला गया, वायर वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, वायर अभी प्रॉपर अपने जगह पे सेटिंग है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।